हेलो दोस्तों, लूसेंट जीके के क्वेश्चन में दोस्तों आपका वेलकम है। दोस्तों तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, फरवरी में भारत ने किस देश के साथ संप्रति 2019 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया था दोस्तों। तो भारत ने दोस्तों बांग्लादेश जो कंट्री है उसके साथ ये सैन्य अभ्यास किया था दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों संप्रति 2019 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही केंद्र सरकार ने जागरूक ऐप लॉन्च किया है, इसका मकसद क्या है दोस्तों? तो देश में बिजली आपूर्ति की सुनिश्चितता है दोस्तों जागरूक ऐप का मकसद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पावे ही हाल ही चर्चा में रहा है, यह क्या है दोस्तों? तो ब्लैक होल है दोस्तों, जिसकी हाल ही में पहली तस्वीर जारी की है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों पावे ही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही खबरों में रहा बेरेशीट क्या है दोस्तों? तो इजराइल का चंद्रयान है दोस्तों, बेरेशीट एक इजराइल का चंद्रयान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोफेसर नजमा अख्तर को किस विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति के रूप में चुना गया दोस्तों? तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय दोस्तों, उसकी प्रोफेसर नजमा अख्तर को कुलपति के रूप में चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त सारे स्टेटमेंट सही है दोस्तों WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है, रिपोर्ट में कानपुर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। सेकंड ऑप्शन है, फरीदाबाद वाराणसी क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर है। थर्ड ऑप्शन है, यह 15 का सबसे प्रदूषित शहरों में सूची है। सूची में भारत के 14 शहर शामिल किए गए दोस्तों WHO की रिपोर्ट में दोस्तों।